नमस्कार मैडम। नमस्ते दीपा जी। क्या बात है मैडम, मैं आज कन्नड़ा में बोली, आप हिंदी में बोल रही हैं। ऐसे नहीं दीपा जी, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, आप इतने अच्छे से ही कन्नड़ा को फॉलो कर रहे हैं, अच्छे से सीख रहे हैं। वाह, थैंक यू मैम। फ्रेंड्स देखे ना मैम को, हम लोग को कन्नड़ा में बोलते देख करके, कमेंट देख करके कितना खुश हो रही है। तो फ्रेंड्स बहुत मन लगा कि हम लोग को कन्नड़ा सीखना है ना। तो मैडम जब मैं शुरू यहाँ पे आई थी तो वाक्य और व्याकरण की तो बात बहुत दूर की होगी, छोटे छोटे शब्द जो थे वो मैं जान नहीं पाती थी कि क्या है। तो आज इस वीडियो में जो ऐसे शब्द जो मोस्ट यूजफुल शब्द हैं उसके बारे में बताइए मैडम, उसको कन्नड़ में क्या कहते हैं। वो शब्द बहुत अधिक यूज होते हैं, ठीक है, तो बिल्कुल छोटे छोटे रहते हैं लेकिन बहुत काम है, तो उसको हम लोग बाद में सेंटेंस में यूज भी कर सकते हैं। अगर वर्ड्स आए ना हाँ। तो सेंटेंस यूज करने में बहुत यूजफुल होता है, नहीं तो यदि हम लोग शब्द ही नहीं जानेंगे तो सेंटेंस कैसे बनाएंगे। तो फ्रेंड्स पहला स्टेप, शब्द को हमें, वर्ड्स को हमें बहुत अच्छी तरह से जानना है, फिर उसके बाद सेंटेंस बनाने तो हम लोग सीखेंगे। और हड़बड़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है मैडम, हम लोग के साथ रहेंगे और धीरे धीरे हम लोग को कन्नड़ा बहुत अच्छी तरह से सिखाएंगे। एक ही बार हड़बड़ा करके हम लोग जो है व्याकरण और साहित्य की तरफ चले गए ना तो बिल्कुल नहीं जान पाएंगे। लैंग्वेज ऐसी चीज है कि हमें धीरे धीरे सीखना है। तो आज हम लोग शब्द के बारे में जानेंगे, साथ ही साथ वाक्य के बारे में जानेंगे और फिर आने वाले वीडियो में थोड़ी व्याकरण की भी जानकारी लेंगे। तो फ्रेंड्स बहुत ज्यादा हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप एक दिन में एक ही वीडियो देखिए। यदि आप एक दिन में 2-3-4 वीडियो देखेंगे तो एक भी नहीं रहेगा, क्या मैडम सर? एक वीडियो देखिए, बल्कि उसी हाँ। वीडियो को 2-3 बार देखिए और आपका डेली लाइफ में उस वो वर्ड सबको यूज करने के लिए कोशिश करें। तो एक ही बार यदि मान लीजिए 4-5 वीडियो देखिए तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, तो बल्कि एक दिन क्या 2-3 दिन में एक वीडियो देखिए और उसी वीडियो को 2-3 दिन हाँ। देखते रहिए हाँ। तो जब वो शब्द हमारे दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाएंगे तब फिर दूसरे वीडियो की तरफ जाइए। ऐसे ही कभी अच्छा ना मैडम। चलिए मैडम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैडम यदि हमें बोलना है स्वागत है, वेलकम, तो क्या बोलेंगे? स्वागता बोलते हैं, स्वागत को स्वागता। तो ये तो बिल्कुल हिंदी जैसा ही हो गया मैडम, स्वागतम हम लोग बोलते हैं तो स्वागता। मैडम वैसे ही हो गया, नमस्कार को नमस्कार। अच्छा, नमस्कार को नमस्कार, तो स्वागत को स्वागता, तो इसमें याद करने वाली बात नहीं है। और मैडम बोलते हैं प्लीज, कृपया, तो उससे क्या बोलेंगे? दयाबिट्टू। अच्छा दयाबिट्टू। और यदि मैं बोलना रहेगा कृपया आइए, कृपया प्लीज कम बोलते हैं ना, दयाबिट्टू बन्नी। हाँ बन्नी आपने बताया था, बन्नी मतलब आइए, तो दयाबिट्टू बन्नी बोलने से काम बन जाता है ना। बन्नी अच्छा, दयाबिट्टू बन्नी मतलब कृपया आइए। चलिए और खुशी, खुशी को क्या बोलेंगे मैम? संतोष। अच्छा खुशी को संतोष। अब मुझे खुशी है बोलना है तो मैंने तुम्बा संतोष आगे। अच्छा तुम्बा संतोष, मुझे बहुत खुशी है, ये तो बहुत यूजफुल वर्ड है मैडम, मैं लिख देती हूँ सबके लिए काम आएगा। ठीक है, ननगे तुम्बा संतोष। आह बहुत अच्छा मैडम, तुम्बा मतलब बहुत, तुम्बा संतोष मतलब मुझे बहुत खुशी है मैडम, ननगे तुम्बा संतोष आगिदे, संतोष आगिदे इसका मतलब क्या हुआ मैडम? बहुत खुशी हो गया। अच्छा बहुत खुश हो गया हाँ। नहीं मैडम अभी हम लोग बस इतने ही जानेंगे, ननगे तुम्बा संतोष। मैडम आप हम लोग को कन्नड़ा सिखा रही हैं तो इसके लिए ननगे तुम्बा संतोष। मैडम आप बोलना है माफ कीजिए तो क्या बोलेंगे? क्षमिसी। और बोलना है मुझे माफ कीजिए तो ननगे क्षमिसी। अच्छा ननगे वर्ड तो बताया गया था, तो फ्रेंड्स यहाँ पे बस क्या करना है, ननगे लगा देना है, क्षमिसी। आज देखिए मैडम तो आज कमाल कर रही है, शब्द भी सिखा रही है वाक्य भी सिखा रही है। और गांव को बोलना है मैडम, गांव तो क्या बोलेंगे? गांव को हल्ली बोलते हैं, हल्ली वो सेकंड ला ना, हल्ली बोलते हैं हल्ली। और यदि बोलना है मैडम हमें एक्चुअली गांव से थोड़ा बड़ा कस्बा जैसा उसको ऊरू बोलते हैं। अच्छा अच्छा, तो हल्ली भी बोल सकते हैं, ऊरू भी बोल सकते हैं, हल्ली मतलब एकदम विलेज है, उसको हल्ली बोलते हैं। अच्छा अच्छा, थोड़ा बड़ा कस्बा जैसा ऊरू बोलते हैं। हल्ली ऊरू। शहर, शहर को पट्टना बोलते हैं, पट्टना। अच्छा पट्टना मतलब शहर, शहर। अच्छा पट्टना शहर। और सुबह को क्या बोलते हैं मैडम? सुबह बेलिग्गे सेकंड लेवल मैडम। अच्छा दूसरा वाला। अच्छा सुबह बेलिग्गे, मैं सुबह चाय पीता हूँ, यदि बोलना है मैं सुबह चाय पीता हूँ, बहुत अच्छा, बहुत लोगों को चाय पीने में बहुत मजा आता है, क्या बोलेंगे? सुबह चाय पीते हैं, चाय पीते हैं। बेलिग्गे
ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಚಾ ಕುಡಿತೇನೆ ಅಚ್ಚಾ ಚಾ ಕುಡಿತೇನೆ ಚಾಯ್ ಕೋ ಚಾ 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 ಕುಡಿತೇನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಹುತ್ ಮಜದಾರ್ ಹಾ ನಾ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಭೀ ಹಾ ಚಲಿ ಆಗೆ ಬತಾಯಿ ಮೇಡಮ್ ಮೇಡಮ್ ವೋ ತೋ ಬಾತ್ ಹೈ ಶುಭಾ ಕಿ ಯದಿ ದೋಪಹರ್ ಹೋ ತೋ ಕ್ಯಾ ಬೋಲೇಂಗೆ ದೋಪಹರ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ मध्याह्न अच्छा अच्छा दोपहर मध्याह्न हाँ और शाम को मैम संजय हाँ और नहीं तो सायंकाल भी बोलते हैं अच्छा संजय सायंकाल भी वर्ड बोल सकते हाँ अच्छा अच्छा रात को रात्रि अच्छा रात को रात्रि और ये मैडम बोल रहा है आज रात को इवत्तु रात्रि इवत्तु रात्रि ये याद ये वाला यूज होगा मैडम इवत्तु इवत्तु हाँ क्यों ना मैडम की मतलब बहुत बार बताना होता है ना आज रात को ही इवत्तु रात्रि फ्रेंड्स देखिए इवत्तु रात्रे आज रात को ही कुछ भी प्रोग्राम में तो बता सकता है आज ही ना इवत्तु रात्रे इवत्तु हाँ घर घर को मैडम मने घर को मने हाँ। और मेरा घर बोलना है कि मेरा मने नन्ना मने हाँ नन्ना मने मेरा घर हाँ नन्ना मने हाँ नन्ना मने मेरा घर इमारत बड़ी बिल्डिंग रहती है मैडम उसका उसको कट्टड़ बोलते हैं कट्टड़ कट्टड़ मतलब बिल्डिंग चलिए बहुत अच्छा और पौधा पौधा को मैडम गिरा गिड़ा हाँ। मैडम ये वाला पौधा है क्या जो फ्लावर पॉट में हाँ, डालते हैं गिड़ा बोलते हैं अच्छा गमले में जो डालते हाँ, हो ना वो सब छोटा छोटा प्लांट्स को गिड़ा बोलते हैं अच्छा ये तो बात हुई मैडम पौधों की ठीक है ना अब पेड़ पेड़ को क्या बोलेंगे मैडम बड़ा रहेगा तो मरा 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 बोलते हैं मरा मतलब पेड़ हाँ और यदि बोलना है आम का पेड़ तो क्या बोलेंगे मावी न मरा अच्छा मावी न मरा मावी न मरा अच्छा मावी मतलब आम हो गया ना मैडम अच्छा तो ये हो गया मामिना मतलब जो भी पौधा रहेगा उसका नाम लेके मरा बोलने से हो जाएगा मरा बोलने से हो जाएगा ठीक है नाश्ता नाश्ता क्या बोलते हैं हाँ, टिफिन बोलते हैं हाँ, नहीं तो एक्चुअल प्रॉपर कन्नड़ा में उपहार बोलते बेलेगिन उपहार बोलते हैं अच्छा बेलेगिन उपहार हाँ, तो टिफिन ज्यादातर टिफिन अब उपहार शब्द का बहुत ज्यादा बोलना नहीं करता अच्छा अच्छा तो ये तो टिफिन वाली बात हो गई मैडम ठीक है नाश्ता की बात हो गई यदि मान लीजिए मैं बोल रहा है खाना तो खाना को क्या बोलेंगे ऊटा ऊटा हाँ ऊटा ऊटा मतलब खाना खाना ऊटा मतलब खाना हो गया मील एक तरह का यदि हमें बोलना है कि लंच दोपहर का खाना दोपहर को मध्याह्न बोलते ना हाँ अभी आप बताए मध्याह्न मध्याह्न ऊटा मध्याह्न द ऊटा अभी तो आप मध्याह्न बताएंगे मध्याह्न ऊटा मध्याह्न रात्रि ऊटा रात्रि अभी रात्रि नहीं बता हाँ। तो बस उसके पीछे ऊटा लगा देता है मध्याह्न ऊटा रात्रि ऊटा जैसे ऊटा मतलब जैसे राइस वो सब है ना वो सब उसको मील एक तरह मील खाना ना उसको ऊटा बोलते हैं अच्छा 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 जन्मदिन को स्नैक्स वगैरह वो सबको तिंडी बोलते हैं तिंडी बोलते तिंडी बोलते अच्छा वो तिंडी मतलब ऐसे बीच में थोड़ा स्नैक्स बोलते तिंडी बोलते हैं अच्छा ऊटा मतलब पूरा मील हो गया मील जन्मदिन को मैडम हुट्टू हब्बा हुट्टू हब्बा हाँ जन्मदिन हुट्टू हब्बा हाँ। मैडम यदि बताना है मुझे कि आज मेरा जन्मदिन है तो क्या बोलेंगे नाम ना हुट्टू हब्बा अच्छा इवत्तु अच्छा 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 इवत्तु इवत्तु हाँ इवत्तु नन्ना नन्ना हुट्टू हब्बा नन्ना फ्रेंड्स गिफ्ट लेने का मन है किसी से तो बता दीजिए इवत्तु नन्ना हुट्टू हब्बा अच्छा ये तो अच्छा है मैडम जो गिफ्ट लेने का मन करे तो आराम से हम बता सकते हैं हुट्टू हब्बा बहुत बढ़िया इवत्तु नन्ना हुट्टू हब्बा मतलब आज मेरा जन्मदिन है बहुत बढ़िया त्योहार को मैडम हब्बा अच्छा त्योहार को हब्बा हब्बा बोलते तो याद हो जाएगा कि हुट्टू हब्बा से हब्बा याद आ जाएगा अच्छा और छुट्टी मैडम छुट्टी रजे रजे मतलब छुट्टी और बोल रहे हैं कि आज छुट्टी है इवत्तु रजे अच्छा इवत्तु फ्रेंड्स इवत्तु को जो है ना आज हम लोग माइंड में बिल्कुल बिठा लेते हैं कहीं जाने नहीं देना इवत्तु को इवत्तु रजे मतलब इवत्तु रजे आज छुट्टी है इवत्तु तो बहुत ज्यादा ना आज मेरा जन्मदिन है इवत्तु नन्ना हुट्टू हब्बा बहुत बढ़िया हाँ पैसा मैडम पैसा हणा 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 मतलब पैसा और रुपया रुपया को रुपाई रुपाई हाँ अच्छा रुपया को रुपाई ठीक है मैडम यदि दाया बोल रहे तो राइट दाया भला बला मतलब बोलते हैं दाएं जाओ हाँ दाएं जाओ तो बला होगी बला साइड होगी ऐसे बोलते हैं आजकल साइड को यूज कर हाँ, बला साइड होगी अच्छा बला साइड होगी बला साइड होगी मतलब दाएं जाओ हाँ, ठीक है तो ये तो यदि हमें कहीं का रास्ता पूछना है तो उसके लिए बहुत काम आएगा और बाया बाया को लेफ्ट साइड एड़ा तो एड़ा साइड एड़ा साइड होगी ऐसा बोलते हैं जानवर जानवर को मैडम प्राणी जानवर को प्राणी अच्छा जानवर को प्राणी मैडम फूल को क्या बोलेंगे हू हू हाँ। बस फिर हू बोलना हाँ, बस हू अच्छा फूल को हू हाँ। और यदि बोलना मैडम गुलाब का फूल तो गुलाबी हू अच्छा गुलाब को गुलाबी हाँ, गुलाबी अच्छा गुलाबी हाँ गुलाबी हू
अच्छा गुलाबी हाँ गुलाबी हूँ मतलब गुलाब का हाँ ठीक है। सब्जी को मैडम तरकारी अच्छा सब्जी को तरकारी हाँ। तरकारी हिंदी में बोलते मैडम अच्छा। गांव में ज्यादातर तरकारी ही बोलते हैं तरकारी बोलते हाँ। फल को मैडम हन्नो हाँ फल को हन्नो हाँ अच्छा फिर मैडम किसी कोई भी फल रहेगा जैसे आम रहेगा या संतरा रहेगा तो फिर उसको कैसे बोलेंगे मामिना हन्नो अच्छा उसके पीछे हन्नो हन्नो लगाते हैं अच्छा सबको नहीं लगाते हैं हाँ, कुछ कुछ में लगाते हैं कुछ जैसे ऑरेंज को हम लोग ऑरेंज ही बोलते हैं अच्छा तो यदि बोलना मैडम फल खाइए तो क्या बोलेंगे हन्नो तिन्नी अच्छा हन्नो तिन्नी हाँ फ्रेंड्स आजकल तो प्रचलन हो गया है ना आजकल समोसा वमोसा को उतना खाना नहीं चाहता है तो हम लोग एक प्लेट में तो फल देते ही हैं तो फिर हमें क्या बोलना है गेस्ट आने से हन्नो तिन्नी हन्नो तिन्नी बोलना है मैडम अच्छा इस तरह से ना मैडम देखिए हाँ अच्छा हन्नो तिन्नी मतलब फल खाइए चलिए मैडम दरवाजा को क्या बोलते हैं बागिलू बागिलू हाँ अच्छा बागिलू मतलब दरवाजा हाँ यदि बोलना है मैडम दरवाजा उधर है बागिलू अल्ली दे अल्ली दे अल्ली अच्छा उधर है अल्ली दे अल्ली दे अल्ली दे फ्रेंड्स साथ साथ में ना हम लोगों को क्या करना है कि ऐसे ऐसे एक एक शब्द अल्ली इदे अच्छा अल्ली इदे दो शब्द से हाँ, मिलकर बना अल्ली इदे नहीं अल्ली इदे दो अच्छा, अलग, अल्ली इदे अलग अलग दो शब्द हाँ अच्छा अच्छा अल्ली हाँ इदे अल्ली इदे और इदे हाँ अच्छा अल्ली इदे हाँ, मतलब दरवाजा उधर है उधर है अच्छा बागिलू अल्ली इदे मतलब दरवाजा उधर है। तो फ्रेंड्स आज हम लोग क्या कर रहे हैं शब्द तो जान ही रहे साथ ही साथ बहुत इम्पोर्टेंट जो है ना हम लोग उसको भी जान जा रहे हैं ठीक है। मैडम बात तो दरवाजे को हुई अब खिड़की बोलना है खिड़की तो खिड़की बोलते हैं अच्छा खिड़की ही बोलना है यदि मैडम बोलना है खिड़की बंद कर दो खिड़की बंद मारो अच्छा बंद मारो हाँ। बोलेंगे अच्छा बंद मारो मतलब बंद कर दो हाँ बंद कर दो अच्छा बंद मारो खिड़की बंद मारो मतलब हाँ। खिड़की बंद हाँ और पानी को क्या बोलते हैं मैडम नीर नीर हाँ मैडम यदि हमें बोलना है पानी दो तो क्या बोलेंगे नीर कोड़ू छोटे रहेंगे तो कोड़ू एक तो आप पहले वीडियो में मुझे बताया था मैडम मुझे लगता है कोड़ू हाँ कोड़ू मतलब एक तरह से दो हो हाँ। और यदि कोई मतलब बड़े लोग हैं हाँ। तो बोलना है कि पानी दीजिए तो क्या बोलेंगे नीर कोड़ी कोड़ी हाँ कोड़ू और कोड़ी तो पहले में बताया था मैडम आपने हाँ तो ये तो शायद हम लोग को याद है याद है फ्रेंड्स कोड़ू कोड़ी दो दीजिए नीर कोड़ू पानी दो नीर कोड़ी पानी दीजिए चलिए मैडम जमीन को क्या बोलते हैं नैला नैला हाँ। नैला मतलब जमीन हाँ। नैला मतलब जमीन हाँ। ठीक है और मिट्टी मन्नु 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 मैडम यदि बोला है मिट्टी का घर है तो क्या बोलेंगे मंडी न मन्ने अच्छा मंडी न मन्ने मने 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 हाँ। अच्छा अच्छा मंडी मने 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 अच्छा और बालू मैडम जो सेंड होता है उसको मरुड़ू मरुड़ू हाँ अच्छा मरे सेकेंड वाला है हाँ हाँ अच्छा मरुड़ू 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 मतलब बालू चलिए बहुत अच्छा मैडम बहुत यूजफुल सेंटेंसेस है मैडम बता रही हैं आप और ये बहुत यूजफुल जो है ना शब्द भी है आज हम लोग शब्द और सेंटेंस दोनों पर ध्यान रखेंगे और मैडम किचन को क्या बोलते हैं अड़ुगे मने अच्छा अड़ुगे मने हाँ अड़ुगे मने किचन ठीक है तो हम लोग को जानना ही चाहिए और सीढ़ी मैडम स्टेयर जो होता है उसको मेटलो मेटलो हाँ अच्छा मेटलो सीढ़ी हाँ और जंगल को क्या बोलेंगे मैडम अड़ भी बोलते हैं नहीं तो अरण्य भी बोलते अच्छा अच्छा अरण्य ये तो इसका पर्यायवाची भी होता है मैडम अरण्य जो है जंगल का पर्यायवाची भी होता है बहुत सारे किताबें मिलेगा जंगल अड़ भी बोलते अड़ भी तो ज्यादातर अड़ ही बोलते हैं मैडम अरण्य भी बोलते हैं मतलब दोनों एरिया वाइज होता है अच्छा अच्छा जिसको जो पसंद और बाजार को क्या बोलते हैं मैडम मारुकट्टे मारुकट्टे हाँ। मारुकट्टे मतलब बाजार आजकल ज्यादातर मार्केट ही बोलते हैं मार्केट ही बोलते हैं बट मारुकट्टे एग्जैक्ट वर्ड मार्केट है मैडम आज के लिए इवत्तु आज तो हम लोग पहले ही जान गए थे इसलिए इसको मैं इसको जो है ना लोग गोल कर दी क्योंकि हमें पता है इवत्तु और दिन को मैडम दिवस मतलब दिन तो आसान है मैडम हिंदी में बोलते हैं और मैडम सप्ताह को क्या बोलेंगे वारा सप्ताह को वारा हाँ वारा वारा मतलब सप्ताह वन वीक हाँ हाँ वारा मतलब सप्ताह महीने को तिंगड़ू सेकंड लॉ मैडम हाँ तिंगड़ू मतलब महीना ठीक है ना इसी महीने यदि बोलना हमको इसी महीने तो ई तिंगड़ू अच्छा ई तिंगड़ू उसके आगे में हाँ ई तिंगड़ू फ्रेंड्स देख लीजिए यदि हम बोलना इसी महीने तो ई तिंगड़ू बहुत अच्छा और सड़क को क्या बोलेंगे मैडम रोड को रस्ते अच्छा रस्ते मतलब सड़क हाँ अच्छा और दुकान को मैडम अंगड़ी
अंगड़ी अंगड़ी ना अंगड़ी मतलब दुकान। और मैडम यदि बोलना है कि फल का दुकान, चाय का दुकान, पान का दुकान, तो कैसे बोलेंगे उसको? यूजुअली उसी नाम से बुलाते हैं। अच्छा, पान का दुकान बोलना है तो पान का दुकान, पानी ना पान, एक्चुअली हम लोग वैसे इतना नहीं मिलता है पान का दुकान। अच्छा अच्छा, क्योंकि वो यूजुअली नॉर्थ इंडिया का ज्यादा मिलता है। अच्छा ठीक है, फल का दुकान तो मिलता है ना, तो फल का दुकान के लिए हन्नू अंगड़ी बोलेंगे क्या? यूजुअली नहीं बोलते हैं, हंडी ना अंगड़ी बोलते हैं, बट यूजुअली कॉन्वर्सेशन में यूजुअली नहीं यूज होता है। अच्छा, अंगड़ी इन द हन्नू ता ऐसे बोलते हैं। अच्छा अच्छा, दुकान से जाकर फल लेके आओ। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अंगड़ी मतलब दुकान एक तरह से। मैडम मिठाई को क्या बोलेंगे? सिही तिंडी। सिही तिंडी मैडम मिठाई की दुकान बोल सकते हैं ना, सिही तिंडी अंगड़ी नहीं बोलते, नहीं बोलते हैं, बेकरी बोलते हैं आजकल। अच्छा अच्छा अच्छा, तो हमें उसके बाद जानना है मिठाई को सिही तिंडी बेकरी। मैडम आज जो बहुत खुश होते हैं हम लोग, तो बोलते हैं मिठाई खिलाओ। हाँ, तो सिही तिंडी कैसे बोल सकते हैं क्या? स्वीट तिंसी आजकल क्या बोलते हैं, स्वीट ज्यादा यूज करते हैं ना, सिही तिंडी भी ज्यादा यूज करते हैं, बट एक्चुअली सिही तिंडी। अच्छा, मतलब जानना चाहिए। हाँ, जानना चाहिए। और मंदिर को मैडम? देवस्थान। देवस्थान मंदिर मतलब देवस्थान, देव का स्थान। हाँ, देवस्थान मतलब मंदिर हो गया। मैडम काम को क्या बोलेंगे? कैलसा। कैलसा। हाँ, कैलसा मतलब काम हो गया। हाँ, और यदि मैडम मुझे बोलना है मुझे बहुत काम है, आजकल सब लोग बहुत बिजी रहते हैं, बिजी विद वर्क, बिजी विदाउट वर्क भी रहते हैं, तो क्या बोलेंगे मैडम? तुम्हारा कैलसा इदे। क्या मैडम फिर से बोलिए? ननगे। ननगे मतलब ननगे मैं लिख देती हूँ मैडम, यहाँ पे लिखने से क्या होता है ना, क्लियर हो जाता है। ननगे तुम्बा। तुम्बा मतलब बहुत, ये तो मेरा फेवरेट वर्ड है मैडम। ननगे तुम्बा कैलसा इदे। अच्छा, केलसा इदे। केलसा इदे। केलसा इदे। ननगे तुम्बा केलसा इदे मतलब मुझे बहुत काम है। हाँ, ठीक है ना, मुझे बहुत काम है। हाँ, ये तो बहुत यूज वाला होने वाला है मैडम। ठीक है मैडम, भाड़ा? भाड़ा को बाड़ीगे। बाड़ीगे। हाँ, यदि मान लीजिए हमें पूछना है मैडम किसी से भाड़ा कितना हुआ, हम लोग कहीं ट्रेवल करते रहते हैं तो कितना बोलेंगे? एष्टु बाड़ीगे। एष्टु बाड़ीगे। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है मैडम। एष्टु ना मैडम? एष्टु। एष्टु। एष्टु बाड़ीगे। अच्छा, एष्टु बाड़ीगे। हाँ फ्रेंड्स, देख लीजिए कहीं भी सफर तो हर समय हम लोग करते ही रहते हैं, तो लास्ट में उसको पता नहीं चलना चाहिए कि आप जो है ना आपको कन्नड़ा नहीं आती है, यदि पता चल गया ना तो भाड़ा आपका बढ़ जाएगा। तो इसीलिए बता रही हूँ कि एष्टु बाड़ीगे बोलेंगे तो भाड़ा कम हो जाएगा, ऐसा होता है ना मैडम? लोग जानते हैं कि बाहर से आया है तो भाड़ा ज्यादा ले मांग लेते हैं, तो एष्टु बाड़ीगे मतलब भाड़ा कितना हुआ। ठीक है, बगीचा। बगीचा मैडम? तोटा। तोटा। हाँ, तोटा तोटा तोटा। मैडम तेलुगु में तोटा बोलते हैं क्या? क्योंकि एक राइम्स है, तोट के अलावा पंडित चावा, तो वही बगीचा है ना। अब मैडम यदि बोलना है मेरे बगीचे में बहुत फूल है तो क्या बोलेंगे? नन्न तोटदल्ली तुंबा हू इदे। अच्छा अच्छा, ननगे नन्न। हाँ अच्छा, नन्ना नन्ना बोलेंगे मैडम उसमें। अच्छा, नन्ना नन्न तोटदल्ली। नन्न तोटदल्ली। अच्छा, ನನ್ನ ನನ್ನ ತೋಟದಲ್ಲಿ ತೋಟದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ತೋಟದಲ್ಲಿ ತೋಟದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಹೂ 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 ಅಂತ ಬತ್ತಾಯಿ ಹೂ ಹೂ ಇದೆ ಇದೆ ಬಹುತ್ ಬಡಿಯ ಮೇಡಮ್ ನನ್ನ ತೋಟದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹೂ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಮೇರೆ ಗಾರ್ಡನ್ ಬಹುತ್ ಫೂಲ್ ಬಹುತ್ ಬಡಿಯ ಮೇಡಮ್ ಬಹುತ್ ಬಡಿಯ चलिए मैडम लास्ट में यदि हमें बोलना है मैडम धन्यवाद तो क्या बोलेंगे? धन्यवाद ही बोलते हैं। धन्यवाद धन्यवाद। उसी प्रकार नमस्कार नमस्कार, स्वागत स्वागत के लिए स्वागत, उसी प्रकार धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो मैडम बस मैं यही बोलना चाहती हूँ, तुम्बा धन्यवाद ज्योति मैम। फ्रेंड्स कैसी लगी वीडियो? तो फ्रेंड्स वीडियो यदि अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, और कोशिश करिए भले ही आप लोग दो फ्रेंड्स हैं हिंदी अच्छी तरह से जानते हैं, मजाक में ही सही, लेकिन कन्नड़ा में बात करने की कोशिश करिए, क्योंकि लैंग्वेज ऐसी चीज है कि जब तक बात नहीं करेंगे तो आने वाला नहीं है, है ना मैडम? सही। तो फ्रेंड्स अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।